दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप आरआरबी जेई के लिए सीबीटी बन की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी बन का सिलेबस भी आपने देखा होगा, उसमें एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स 30 नंबर का पूछा जाना है। और मैथमेटिक्स का जो मैंने सिलेबस देखा है, उस सिलेबस में जो मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आरआरबी के एग्जाम होते हैं उन सब में मेंसुरेशन पर सबसे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन के फॉर्मूले देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। कहां से? त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज में हम चार टाइप्स की त्रिभुज समझेंगे जो सिलेबस में दी गई। पहली है समबाहु त्रिभुज। क्या है समबाहु त्रिभुज? इंग्लिश में यहां पर लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में बता रहे हैं क्योंकि हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के, वह सबसे ज्यादा हमसे जुड़े हुए हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो मतलब होता है, वह आप लोग जानते होंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब यहां पर जो तीनों भुजाएं दी गई, त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती, सभी जानते हैं। ये जो तीनों भुजाएं जब एक समान हो, मतलब इनकी जो लेंथ है वह कैसी हो, तीनों की बराबर हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जो त्रिभुज, इसके जो दो प्रकार के हम लोग फॉर्मूले पढ़ते हैं, एक तो होता है एरिया का। कौन सा एरिया? याद रखें, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मैंने नहीं लिखा है, एरिया लिख दिया है, क्योंकि क्षेत्रफल कई लोग भूल भी गए होंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी एरिया बोलने लगे हैं, लेकिन त्रिभुज का नाम हम पता है कि ये त्रिभुज का नाम जो लिखा है वो कई बार भूल जाते हैं, लेकिन एरिया नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने एरिया यहां पर बोला है। एरिया को हम सब जानते हैं, हम ए से डिनोटेट करते हैं। तो कई जगह मैं ए लिख दूं अकेला तो आप समझ जाएंगे कि एरिया की मैं बात कर रहा हूं। एरिया इक्वल जो समबाहु त्रिभुज है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो पहले एरिया का जो फॉर्मूला होता है, रूट लगा रहे, सबसे पहले क्या रूट लिखेंगे, फिर उसके अंदर थ्री लिखेंगे, बटे में हम फोर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर यहां पर क्या होती है, जो साइड है, जो साइड की लेंथ होगी, ये साइड दी गई, इसकी जो लेंथ होगी ए, वही हम कहां यहां पर रख देंगे। ये क्या है? साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल होती है, साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या होगी यहां पर, बहुत अच्छे समझने, जो यहां पर यदि समबाहु त्रिभुज दी गई है तो उसकी एक भुजा की लेंथ भी दी गई होगी, तो जो लेंथ होगी उसको हम कहां रख देंगे, ए की जगह रख देंगे, और उसका स्क्वायर कर देंगे, और पूरे कैलकुलेशन से हम इसको निकाल देंगे। अब इसमें क्या है, इसकी कैलकुलेशन मेरे पास है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं चला पाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू रहती है उसको आप याद कर लें। इसकी वैल्यू रहती है 0.433 और इनटू ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व करके आप याद कर सकते, तो 0.433 इंटू ए स्क्वायर भी याद कर सकते, जो क्या है, हमारी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है या फिर एरिया है। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका पेरीमीटर का। क्या होता है? पेरीमीटर, मैं लिख देता हूं पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम पी से डिनोटेट करते हैं। किससे? पी से डिनोटेट करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, यदि मैं कहीं पी लिख देता हूं तो आप क्या समझेंगे, पेरीमीटर की बात की जा रही है। ये होता है पेरीमीटर, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो यहां पर कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए, इक्वल फॉर्मूला क्या बनेगा, 3a। तो हमें याद क्या रखना है, हमें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह दोनों में से कोई एक याद रख सकते हैं, और जो पेरीमीटर होता है वह क्या होती है, 3 होती है। ए क्या होती है, जो त्रिभुज की साइड दी रहेगी वह हम यहां पर पुट कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी पेरीमीटर निकल आएगी। अब चलते हैं सेकंड त्रिभुज की बात करते हैं। नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो। ये जो तीनों भुजाएं दिख रही हैं, जब ये एक दूसरे के इक्वल ना हो, तीनों की डायमेंशन एकदम अलग अलग हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसको ध्यान से सुने, इसमें दो प्रकार के एरिया निकलते। क्या है? दो प्रकार के एरिया निकलते, ध्यान रखें। पहला, जब हम एच दी गई हो, क्या जो एच दिखा है यहां पर, जो हाइट है, बीच में जो
यहां पर एक परपेंडिकुलर डला हुआ है, 90 डिग्री लिखा हुआ है। जब ये एच दी गई हो तो हमारा जो एरिया होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मैं यहां पर लिख देता हूं ये क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, या फिर हम फिर से लिख देता हूं इसको 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या होगा, जो हमारा ए बी से सी है ये क्या होगा, आधार होगा, याद रखें बेस क्या है इसका, आधार है, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, जो यहां पर ये एच जो दिया रहेगा, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आधार निकल आएगा। लिख देता हूं मैं, जब ऊंचाई दी गई हो, दी गई हो, तो आप ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम, जब ध्यान रखें, जब ऊंचाई नहीं दी गई हो, क्या नहीं दी गई हो, जब ऊंचाई नहीं दी गई हो, तो जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है वह मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंबल का यूज करके, ए इक्वल, याद रख लें बिल्कुल इसको, रूट के अंदर एस, यहां पर एस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा एस माइनस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट के अंदर होगा एस माइनस सी, इसको बंद कर देंगे, पूरा रूट चढ़ेगा यहां लास्ट तक, याद रखें पूरा रूट चढ़ेगा कहां तक, लास्ट तक। अब यहां पर ए बी सी क्या होगा, क्योंकि एस तो गिवन नहीं होगा, देखा जब नहीं दी गई हो तो हमारी ए बी और सी की वैल्यू होंगी वह यहां पर ए बी सी होंगी, लेकिन एस हमें चाहिए, तो एस इक्वल क्या होगा, यहां पर जो ए बी सी गिवन होगा ए प्लस बी प्लस सी, बटे में क्या हो जाएगा हमारा टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो ए जो एस यहां पर दिख रहा है, इस एस को पहले हम लोग निकालेंगे, जो तीनों भुजाएं दी गई हैं उनका योग करके और टू का डिवाइड करके, फिर जब एस निकल आएगा तब हम क्या करेंगे, ए इक्वल करके पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, एस की वैल्यू रखेंगे जो यहां से निकालेंगे हम लोग, और ए बी सी की जो यहां पर वैल्यू दी गई होगी तीनों भुजाओं की, फिर हम एरिया निकाल लेंगे। अब इसकी होती है पेरीमीटर, पेरीमीटर को हम किससे, पी से डोनोटेट करते हैं, पेरीमीटर को हम पी से डोनोटेट करते हैं, तो पेरीमीटर जो होती है वह क्या होगी, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2s, हम यहीं से इसको निकाल दें, 2s इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। हमने कहा जितनी भुजाएं दी गई हैं उनका योग क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया है, और इसको बिल्कुल सेकंड नंबर की त्रिभुज हो गई है, इसके सारे फॉर्मूला बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। नेक्स्ट त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं सिर्फ कितनी, सिर्फ दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर हों उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब याद रखें इसमें इसका जो एरिया होगा क्या होगा, एरिया, इसको आपको याद करना पड़ेगा, हो सकता है आपको याद ना हो, ए बटे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका ये एरिया का फॉर्मूला बनेगा, ए बाय 4 रूट के अंदर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो ए बी क्या है, तो जो यहां पर बेस दिख रहा है ये ए होगा, और बी कौन सी होगी, कोई भी एक, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होंगी, डिस्टेंस भी बराबर होगी, तो किसी की भी डिस्टेंस दी गई हो उसको बी की जगह रख देंगे, और ये हमारा कौन सा होगा, जो बेस है जो इक्वल डिस्टेंस नहीं होती है जिस, मतलब जिस साइड की, तो ये हो गया हमारा एरिया। दूसरी होती है पेरीमीटर, क्या होती है, पेरीमीटर, इसको हम पी से डॉटेड करते हैं, ए इक्वल जो फॉर्मूला बनता है वह होता है ए प्लस टू बी, मतलब सभी भुजाओं का योग, क्योंकि ए हो गई, ए तो ए हो गया, ये दोनों भुजाएं एक समान है, तो इसलिए 2b डायरेक्ट लिख दिया है, तो a प्लस 2b हो जाएगा, तो ये हो गए हमारे समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री पे हो, ठीक है, क्या है, एक भुजा कैसी हो, 90 डिग्री पे हो, जैसे जो यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सभी सभी को पता होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसको हम किससे डॉट करते हैं, a से, तो हमारा क्या होता है 1/2, और क्या होता है आधार इंटू आधार इंटू क्या होता है लंब, आधार इंटू लंब, इसको हम लिखें अगर त्रिभुज के हिसाब से लिखें तो क्या हो जाएगा 1/2 और a
इंटू बी, ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आधार इंटू लंब, इन दोनों का मल्टीप्लाई और बटे हम टू कर देंगे तो एरिया निकाल लेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी पेरीमीटर होती है, तो पी से पेरीमीटर को डिनोटेट करते हैं और तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आता है थर्ड फॉर्मूला, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय के नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें जो सी है, ये सी दिख रहा है, आप जानते हैं क्या होता हमारा कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यदि हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, कर्ण का स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, कई बार क्या होता है इसकी दो साइडें दी रहती हैं और एक साइड को निकालना पड़ता है, जरूरी नहीं है जिस क्रम में फॉर्मूला लिखा उसी में दी गई हो सकता है वो इसकी साइड पूछे और इसको दे दे, या हो सकता है वो इसको पूछ ले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे दे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है इसको आप बिल्कुल रट लें। अब आप इस त्रिभुज के भी फॉर्मूला समझ गए होंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे हम लोग, चतुर्भुज। नेक्स्ट है चतुर्भुज की बात करेंगे, पहला क्या होता आयत होता है ना, किसी को याद रखें, रेक्टेंगल मैंने लिख दिया है, कोई इंग्लिश में होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी लिखी है, सिर्फ पढ़ लें, फॉर्मूले तो सेम होंगे चाहे इंग्लिश मीडियम क्यों चाहे हिंदी मीडियम क्यों, आप लोग ये बात जानते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, एरिया की बात करना है, और ये त्रिभुज कौन सी है हमारी, आयत, जिसका मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वह क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। और यहां पर क्या हो, 90 डिग्री हो, ये देख रहा है 90 डिग्री, ये भी क्या हो 90 डिग्री हो, तो इसके फॉर्मूले क्या बनते हैं वह ध्यान से देख लें, एरिया इक्वल जो फॉर्मूला होता है इसका वह होता है, अब यहां पर ए इंटू बी लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, ए इंटू बी लिख देंगे, क्या हो गया हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर से मैं लिख देता हूं यहां पर लंबाई इंटू चौड़ाई, इस तरह इसका फॉर्मूला होता है जो आपको डायग्राम दिखा दिया मैंने। अब जो विकर्ण है, कई बार इसको भी पूछ लेता है, एक आयत है उसके विकर्ण की वैल्यू निकालिए, अगर ये दोनों दोनों वैल्यू दी गई है तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ए बी दी गई तो ए बी बी होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको निकालने के लिए, विकर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। विकर्ण यहां पर क्या है, ए सी है, ए सी इक्वल रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, जो इसकी लंबाई है उसका स्क्वायर प्लस इसकी चौड़ाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसके बाद पी पेरीमीटर आती है, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला सभी भुजाओं का योग होता है तो टू हो जाएगा, और हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे तो कैसा लिखेंगे, टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, जैसा यहां पर वैल्यू दी गई ए और बी, इस तरह कोई आयत दिया रहता है उसकी यहां पर लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दी रहती है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू पूछी जाती है वह आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ग, है ना, क्या है वर्ग, यहां पर इंग्लिश में लिखा है स्क्वायर, याद रखें हमें फॉर्मूले वही लगाना, क्या है एरिया निकालते हैं सबसे पहले, तो एरिया निकालने के लिए जो स्क्वायर होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो स्क्वायर होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो नॉर्मली इसकी भुजा का स्क्वायर रहता है, साइड का स्क्वायर रहता है, साइड क्या दी गई, ए दी गई, तो हमारा क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर रहता है, बस ए स्क्वायर आपको याद रखना, मतलब साइड में कोई वैल्यू दी गई एक साइड की तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। दूसरा इसका जो इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है, विकर्ण निकालने के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वह है रूट, रूट टू याद रखें, रूट टू होगा फिर मल्टीप्लाई में ए अलग होगा उसकी साइड का स्क्वायर, सॉरी साइड ओनली, रूट टू और मल्टीप्लाई में ए होगा, लेकिन रूट टू अंदर होगा और ए बाहर होगा, इतना आपको याद रखना। फिर इसकी पेरीमीटर आएगी पी इक्वल, तो सभी भुजाओं का योग होता है तो चार भुजाएं, तो हमारा कितना हो जाएगा, फोर ए हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, फोर ए, क्योंकि चार भुजाएं तो ए प्लस ए, दो ए हो जाएंगे, थ्री ए और फोर ए, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज याद रखें, क्या है समानांतर चतुर्भुज,
यहां पर आपको दिख रहा होगा जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर हो, ऐसे इसकी अपोजिट क्या है, इधर की आपको दिख रही हो, ये कैसी हो, बराबर हो। अब इसकी फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला हमें याद रखना है, ए मतलब एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये होता है हमारा आधार इंटू ऊंचाई। मतलब अगर इसमें देखें आधार की वैल्यू यदि ए दी गई है, ऊंचाई हमारी एच दी गई है, आधार की वैल्यू ए दी गई है, ऊंचाई हमारी एच दी गई है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए इंटू एच क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी पेरीमीटर को, पेरीमीटर को हम पी से डॉटेड करते हैं, तो पेरीमीटर इसका होता है टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एच, इसको हमें सॉरी इस गलत हो गया थोड़ा, ए होगा टू ए प्लस बी है ना, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर हैं तो दो ए होंगे, मतलब दो साइडें एक जैसी होंगी, दो साइडें एक जैसी होंगी, तो टू ए होंगे टू बी होंगे, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है दो साइडें एक ए एक ए, तो दो ए हो जाएंगे, फिर एक बी ए तो दो बी हो जाएंगे, क्योंकि सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है पेरीमीटर होता है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है सर्किल की बात कर रहा है, किसकी सर्किल की, ब्रेथ है ना, ब्रेथ की बात कर रहे हैं, इसका जो एरिया होता है क्या, ब्रेथ का एरिया, सर्किल का जो एरिया होता है, एरिया होता है इक्वल, जो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, आर क्या होती है यहां पर रेडियस होती, क्या होती है रेडियस होती है ना, यदि डायमीटर दिया है, यदि डायमीटर दिया है तो उसकी हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, या तक क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी ना, क्योंकि हम जानते हैं डी इक्वल क्या होता है टू आर होता है, कोई भी वैल्यू दी गई है आर इक्वल करेंगे तो हमेशा उस वैल्यू के, जैसे कि यहां पर डायमीटर दिया है तो डायमीटर दो, यहां पर आर निकालेंगे तो डायमीटर इधर है, डायमीटर बटे टू हो जाएगा, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं आर को निकालते हैं, समझ गए होंगे आर कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिधि की, किसकी परिधि की, परिधि की, तो परिधि की हम अगर यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू पाए आर हो जाएगी है ना, टू पाई आर सब लोग जानते हैं, इसको हम अगर डायमीटर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट पाई में डी का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि टू आर इक्वल क्या होता है डी डायमीटर के बराबर होता है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं जो हमारा ब्रेथ है उसके फॉर्मूले लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, यहां पर आपको दिख रहा होगा इस सेंटर से यहां तक क्या है इसकी आर है, और नीचे जो बेस बना हुआ है यहां से ऊपर तक क्या है आर है, तो इसका सबसे पहले वही एरिया निकालते हैं हम लोग, तो इसका एरिया थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं, ये होता पाई आर स्क्वायर बाय टू, पाई आर स्क्वायर बाय टू, आर कैसे निकालते हैं डायमीटर का आधा होता है, ये हो गया। हम इसके बाद हमारी इसकी परिधि निकालना पड़ती, परिधि की बात करें तो परिधि निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता हमारा आर ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस टू, ब्रैकेट के अंदर पाई प्लस टू होता है, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनको आपको याद करना है। एक घनाभ, अब घनाभ के जो फॉर्मूले, तो इसमें हम क्या निकालते हैं आयतन निकालते हैं, मतलब वॉल्यूम निकालते हैं, तो आयतन निकालते हैं इसका आयतन, इसको वी से हम लोग डिनोटेट करेंगे अगर कहीं लिखना भूल जाते हैं, तो ये होता हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर जो अगर डायमेंशन दी गई उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा इंटू बी हो जाएगी इंटू हमारा एच हो जाएगा, इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं आयतन निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, क्या है इसके विकर्ण की लंबाई, उसका भी फॉर्मूला होता है याद रखें। अब जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, और यदि वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यदि आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आप किसी भी ब्रांच के हों, सीबीटी 1 का जो सिलेबस है सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो हमने यहां पर लिख दिया है जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है उन सबका स्क्वायर, उन सबको प्लस करना, फिर रूट उसके ऊपर रूट चढ़ा देना, मतलब रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके अलावा इसमें एक फॉर्मूला और होता है, घनाभ का पृष्ठ, घनाभ का पृष्ठ, तो ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है 10th लेवल का,
बस आपको याद जरूर करने पड़ेंगे, यहां होता है एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ये सब क्या होते पता है, ये लंबाई होगी, ये विड्थ होगी, ये विड्थ होगी, ऊंचाई होगी, ये हमारी ऊंचाई होगी और लंबाई होगी, बी एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है क्यूब, क्या है क्यूब, तो हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना, हम आयतन को या वॉल्यूम वी से डॉटेड कर रहे हैं, याद रखें इसको आप भूलना नहीं। तो जो हमारा क्यूब होता है उसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, एक समान होती हैं, या सभी जो इसके पृष्ठ रहते हैं वो एक समान रहते हैं। तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब होता है, याद रखें ना, मतलब एक साइड की वैल्यू दी जाएगी उसका हमें क्या करना, क्यू कर देना बस, ये क्या है, साइड है ये। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला बनता हुआ है, विकर्ण की लंबाई होती है, जो मैं अभी पहले बता चुका हूं, विकर्ण की लंबाई इक्वल क्या होता हमारा, ये होता हमारा ए रूट के अंदर थ्री, ए रूट के अंदर थ्री, ए क्या होगी, जो साइड हमारी गिवन होगी, कोई भी एक साइड गिवन होगी, और उसको हम क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे, रूट थ्री हमारे फॉर्मूले के अंदर होता। फिर हमारा आता वही घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ है ना, हिंदी ये लिखने में थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब देखते रहें कंटिन्यू वीडियो, तो ये थोड़ा सा हिंदी देखना पड़ता है कि कैसे लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है 6a² तो ये तीनों फॉर्मूले हमें घन के लिए यूज करेंगे। याद रखें फॉर्मूले कई बार याद नहीं होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए होंगे उन्हीं क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनमें जो फॉर्मूले लग रहे होंगे वो सब आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है सिलेंडर की बात कर रहा है, तो सिलेंडर का जो आयतन होता है बी इक्वल क्या होता है, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब टेंथ में पढ़े थे आपको याद आ रहे होंगे, सब टेंथ लेवल के फॉर्मूले हैं। और फिर होता हमारा पार्स पृष्ठ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता हुआ था टू पाई आर एच। एच क्या होती है, ऊंचाई होती है, याद रखें यहां पर भी लिखा। आर क्या है, जो नीचे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता उसकी वहां पर रेडियस दी जाएगी, डायमीटर की आधी रेडियस होती है, याद रखें कई बार डायमीटर देती है तो रेडियस निकालना पड़ती है। इसके बाद इसके जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला बनता है 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r, h क्या ऊंचाई है, r क्या है, रेडियस है। ये जो यहां पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसकी रेडियस दी रहेगी, और जो हमारी ऊंचाई है उसकी क्या होगा, जो भी हाइट दी रहेगी उसको हम h की जगह रखेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है खोखला बेलन, कैसा, खोखला मतलब होलो, अंदर छेद है। तो इसके लिए हम आयतन जो निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, v इक्वल ये होगा हमारा r सॉरी पाई ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एच। अब जो हमारी कैपिटल r है ये हमारी बाहर की एरिया, बाहर जो क्रॉस सेक्शन एरिया का बाहर का एरिया है उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, और जो हमारी बाहरी रेडियस होगी जी हमारी स्मॉल आर है ये इंटरनल रेडियस होगी, क्या होगी, इंटरनल रेडियस होगी। और वैसे भी कम ज्यादा दी रहेंगी तो याद रखें जो कैपिटल आर है वहां पर ज्यादा रेडियस रखना है और स्मॉल आर है वहां पर कम वाली वैल्यू रखना है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। फिर उसके बाद वही जो पहले फॉर्मूला बताए थे पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πrh। फिर आता हमारा पार्स, सतह का क्षेत्रफल हो गया 2πrh, ये हो गया, लेकिन ये याद रखें बाहरी होता है, बाहरी वाला है। और फिर होता हमारा भीतरी वाला मतलब अंदर वाला, इसमें सेम यही लिखा जाएगा पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 2πr स्मॉल r आ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा। तो ये फॉर्मूले होते हैं, इन पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए।
नेक्स्ट है शंकु, क्या है शंकु, जैसे कौन बोलते हैं, तो इसका भी हमें वही वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसका जो आयतन होता है बहुत सिंपल है, ये बहुत लोगों को याद भी रहता है, 1/3 इंटू आर स्क्वायर एच इंटू पाई। या इसको आप कंफ्यूज ना हो, हम सही से लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखें आर क्या है, रेडियस है जो नीचे आपको दिख रहा है, इसका बेस यहां पर रेडियस दी रहेगी, और एच क्या होगी, इसकी हाइट होगी। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कौन के ऊपर, तो इसको याद रख लें, शंकु के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आयतन को आप याद रख लेंगे। इसके अलावा इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसका जो फॉर्मूला होता हुआ होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। आर क्या है, जो इंक्लाइंड यहां पर साइड दिख रही है, जो इंक्लाइंड साइड, इसकी लेंथ दी रहेगी, तो यहां पर ए एल होता है। फिर होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, फिर क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, एल प्लस आर, आर वगैरह में ये क्या है, आर है, स्मॉल आर। स्मॉल आर कहाँ होगी, जो दी रहेगी आप बेस की, उसकी रेडियस दी रहेगी। एल क्या होगा, त्रिज्या दी रहेगी, मतलब एल क्या होगी, लेंथ होगी जो साइड की होगी। और हमारा क्या है यहाँ पर, फिर से पाई आर आगे भी है, तो इसका भी फॉर्मूला आप। अब एक और इसकी जो एल यदि निकालना है, जो जो इसकी तिरछी ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं इसको, इसको यदि निकालना, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, ये होता हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब जी हमारी आर स्क्वायर हो जाएगी, ये हमारी एच स्क्वायर हो जाएगी, जो हाइट दी रहेगी और त्रिज्या दी रहेगी। तो ये हमारे सर्कुलर कॉन के फॉर्मूले होते हैं। नेक्स्ट है स्फीयर, क्या है स्फीयर, गोला बोलते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है आयतन का, मतलब वॉल्यूम बोलते हैं इसको, भी इक्वल होता है 4/3 × π r³। इसके अलावा जो इसका वक्र पृष्ठ होता है, कौन सा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 4 πr² पाई आर स्क्वायर, 4π² 4πr² है, ठीक है। अब जी आर क्या है, जो इसकी रेडियस दी गई, यहां पर देख रही होगी जो रेडियस दी गई, ए आर होता है, ठीक है। डायमीटर होगा उसकी, डायमीटर की आधी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। नेक्स्ट है अर्धगोला, हेमिस्फीयर, है ना। अर्धगोले की देखें तो आयतन जो होता है, आयतन मतलब बी से हम इसको डॉटेड करते हैं, तो इसका जो होता है आयतन होता है 2/3 × π r³। r हो जाएगी को कौन सी, जो इसकी रेडियस होगी वह r हो जाएगी, तो q याद रखें, ये q। इसके अलावा वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये जो फॉर्मूला बनेगा वह होता 2π r²। फिर आता हमारा संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है अर्धगोले का है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वह होता 3π r². तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताए, कम से कम इतने तो हमें याद करना है। इसके अलावा जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हो सकता कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे आए, जो नए फॉर्मूले हों, तो उनको मैं उसी टाइम नोट करवा दूंगा। अभी इतने फॉर्मूले आप लोग लिख लें, याद कर लें, फिर इसके बाद जो याद कब होंगे आपको, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो आपको उस टाइम याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।